हमारा नाम नदीम सिंह है, दो बहनें दो भाई, और वर्षा फौत हो गया उनकी जगह मैं क्लोज करता था, वो काम छोड़ गया, फिर मैं ये सफाई काम करता हूँ, बीवी मेरी फौत हो गई, मैं ये काम कर रहा हूँ। खुदावन लाख शुक्र, मैं खुदावन वक्त तो हो लियावे ना खुदावन लावे वक्त, मंगते नहीं मैंने करके खाता हूँ। असं झाड़ू मार के अपना अड्डा लाने हैं, सफाई करने हैं, कोई 100 बंदे मुसलमान क्रिश्चन सब खाना खाते उ उन्हें नहीं समझा ये मुसलमान नहीं सारी इज्जत करते हैं कुछ समझे ते वो कहते हैं भाई सारा बर्तन नहीं है ते और घंटे बाद आना अभी रश बड़ा है अभी रोटी वाली नहीं है टाइम नहीं है असं फिर वापस चले जाते यार माँ बाप बीवी बच्चे याद आने जो जिंदगी गुजारी होती है बीवी बच्चे सिवा कोई नहीं भैन भाई समझता वाह जिंदा अपनी खुद आप सबको बद करते वक्त गुजार रहा हूँ। हमारे माशरे में जहाँ कुछ लोग मजदूरी या गरीबी को बहाना बनाकर गदागरी करते हैं वहीं पर कुछ बाहिम्मत लोग अपनी मजदूरी को ताकत बनाकर रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। नदीम मसीह ऐसा ही बाहिम्मत इंसान है जो निबीना होते हुए भी माशरे में सफाई का काम करके मेहनत में अजमत की राह पर गामसन है। नदीम सिंह किराए के कमरा में अकेले जिंदगी के दिन बसर कर रहा है। नदीम सिंह सुबह सवेरे खुदा का नाम लेकर अपने काम के लिए उठ जाता है। जबकि इसकी बीवी शुगर और बच्चे एक बीमारी से इस फानी दुनिया से कुछ साल पहले ही कूच कर चुके हैं। नदीम मसीह से जब हमने पूछा कि आप गदागरी क्यों नहीं करते तो इनका कहना था कि मेहनत में अजमत है और मसीही होते हुए हमें बचपन में ही कुछ चीज़ें माँ बाप सिखाते हैं। खुदावन लाख शुक्र, मैं खुदावन वक्त तो हो लियावे ना खुदावन लावे वक्त, हम मंगते नहीं मैंने करके खाता हूँ। सी भाई ने खुदावन छोटे छोटे नशा सारे माँ बाप चंद चंदा देना सी, खुदावन लाख शुक्र ज़्यादा चंदा लैना होंगे सी चंदा पाने सा, तेन खुदावन लाख शुक्र आदत है माँ बाप से असी आदत नहीं पाई अपने आप की जो असं मंगीए असं मेहनत करके अपने खा रहे। नदीम मसीह माशरे में लोगों के लिए सफाई करके सिफाई निस्मान को पूरा कर रहा है, वहीं पर वो अपने साथ होने वाले नामनासिब सलूक से भी ना खुश है। असं झाड़ू मार के अपना अड्डा लाने हैं, सफाई करने हैं, कोई 100 बंदे मुसलमान क्रिश्चन सब खाना खाते उ उन्हें नहीं समझा ये मुसलमान नहीं सारी इज्जत करते भी कुछ समझे ते वो कहते हैं भाई सारा बर्तन नहीं है ते और घंटे बाद आना अभी रश बड़ा है अभी रोटी वाली नहीं है टाइम नहीं है असं फिर वापस चले जाते भाई ने बर्तन लैदा रखे होंगे ने जो आते हैं रोटी खाने वास्ते आते हैं गिलास लैदा होंगे ने जग लैदा हों कोली पा के सालन दे देंगे ने दो रोटियां दे देंगे ने और मेज़ से बह के कुर्सी से बह के रोटी खा ली थी बैठो तो खाना मिल जाएगा। हमारे माशरे में जहाँ सफाई करने वालों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता वहीं पर नदीम मसीह जैसे लोग ही हमारे माशरे के असल हीरो हैं जो नबीना होने के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते बल्कि मेहनत में ही असमत समझते हैं।